So tell us what's new. When can fans, audiences see you guys together on screen again? Yeah, new is Ace the Quarantine, MTV Ace the Quarantine, which you'll see from 12th July onwards. It's a 7-day show. There'll be 7 episodes every day at 7 p.m. So yeah. And it's a very new concept because as a concept, I don't think India mein abhi tak aaya hai. It's a show about content creation and how difficult it is to create content. तो हमारे जो show पे contestants हैं, we call them entertainers, उनको घर बैठे बैठे content बनाना है. And every day they have to present a different video ताकि fans entertain हो सके, ताकि लोग entertain हो सके, because winner भी audience ही चुनने वाली है. And how difficult is it to like come up with new tasks? Like how are you two managing it together? See, the whole point is content is always old. For example, like we've been watching content since Vines. Like Vines का जमाना था एक जहाँ पे people used to play themselves and then उनके अलग अलग characters होते थे and then they used to play. I think ideas are same. Very few can manage to pull new ideas. But the way they present it and the way they turn around, उनके dialogues अलग हो जाते हैं, उनकी जो अंदर की stories होती है वो अलग होती है. तो this is just one example of one kind of content. And हमारे show पे we are really surprised. Entertainers ने बहुत अच्छा काम किया. They have surprisingly come up with such great content in this lockdown, जहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे पास available नहीं है, लोग आसपास नहीं है, but still they've done a fabulous show. And the best part is कि हमारे शो पे जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, they're not the same. Everybody has a different style of presenting their content, presenting their talent. So that's the best part. And we had a lot of fun hosting the Yeah. entire thing. So like while shooting from home lockdown के दौरान, what did you guys learn about each other? Like लड़ाई झगड़ा होते थे और like how did you shoot together? यार हमारे झगड़े नहीं होते, हमारे टांग खिंचाई होती है मोस्टली. एंड टांग खिंचाई ज्यादातर वरुण ही करता है मेरी. एंड वो टांग खिंचाई में मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ और 5 मिनट का ऐसे आर्ग्यूमेंट होता है, फिर मैं बोलती हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए वरुण, ये वो, एंड देन ही इज लाइक ओके आई एम सॉरी एंड दैट्स इट. बट मैंने एक नई चीज सीखी है दैट नो मैटर एट व्हाट टाइम दिव्या गोइंग टू बेड, नो मैटर एट व्हाट टाइम दिव्या स्लीपिंग, शी विल गेट अप प्रॉपरली, हैव अ बाथ, डू अ मेकअप ऑन टाइम. लाइक शी वाज नेवर लेट. कभी कभी होता था कि आई हैव टू जस्ट वेक अप बिफोर द शूट या और जाके मैं ऐसे टोपी पहन के बैठ गया. सो मोस्ट ऑफ द इज द क्वारंटाइन एपिसोड्स यू विल बी लाइक वाचिंग अस. सुबह सुबह हम लोग शूट करते हैं और लॉकडाउन में सुबह सुबह मतलब 9 बजे तो ऐसा लगता है जैसे ओ माय गॉड क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं हम. बट आई थिंक वी मैनेज टू पुल इट ऑफ क्वाइट वेल. एंड वरुण हमेशा ऐसे कैप में या आधे नींद में, एंड अचानक से आधे एपिसोड के बाद आप देखोगे वरुण की एनर्जी एकदम डबल अप हुई पड़ी है, बिकॉज नाउ ही इज वोकन अप इन द मिडल ऑफ द एपिसोड. तो इट्स फन एंड काफी कंफर्टेबल है शूटिंग एट होम. बट ऑल्सो हमको रियलाइज हुआ कि कितना मुश्किल होता है जब हम लोग सेट पे शूट करते हैं. हमारे लिए होता है कि वी हैव टू जस्ट होस्ट और एक्ट एंड बाकी काम होता है द पीपल बिहाइंड द कैमरा. बट यहाँ पर वी हैड टू रिकॉर्ड आवर सेल्व्स, वी हैड टू सेंड फुटेज आवर सेल्व्स एंड मेक श्योर कि ऑडियो सही आ रहा है, मेक श्योर कि लाइटिंग सही आ रही है, मेक श्योर क्वालिटी सही आ रही है. सो आई फेल्ट दैट हमारा जो क्रू है वो बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है टू मेक अ फुल फ्लेज्ड टीवी शो. एंड मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए और ऊपर चली गई है. I mean, my question, next question was like, what are the challenges did you guys face during? Challenges, अगर आप 100 लोगों का crew हो तो वो सारा काम आप सिर्फ अकेले तुम दोनों कर रहे हो, and then you pass it on to another set of people. And challenge सबसे ज़्यादा यही है that we cannot meet each other. So whenever we have these footages which we record, हमें वो भेजना पड़ता है MTV को, and MTV also has another 50 people working day and night for this show, जहाँ पे approvals लेने होते हैं, ये होता है वो होता है. कई कई बार आप सामने से मिलके आपका काम जल्दी हो जाता है, but things are getting delayed because of this lockdown. And बेचारे हमारे MTV वाले सोए नहीं हैं, they messages all night के कल सुबह ये शूट करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. सो या इट्स डिफिकल्ट बट वी आर एंजॉयिंग द प्रोसेस बिकॉज़ वी गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट कंटेंट. आल्सो टू मेक न्यू कंटेंट फ्रॉम योर हाउस एवरी टाइम इज नॉट इजी, क्योंकि आप एक घर के अंदर ही हो, आप का कंटेंट घर के अंदर ही लिमिटेड रहता है. तो कमिंग अप विद न्यू आइडियाज फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द एंटरटेनर साइड,
इट वाजंट इजी एंड आई फेल्ट कि मैंने बहुत कुछ सीखा इस लॉकडाउन से दैट आई एम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम मोर इन ऑल ऑफ एवरीबॉडी हु वर्क्स बिहाइंड द कैमरा एंड आई हैव जस्ट लाइक आई जस्ट बिकम अ मोर पेशेंट पर्सन इन लाइफ नाउ And also, entertainers ने बहुत अच्छा काम किया that they have started involving their family members. तो you will be able to see काफी लोगों का debut हुआ है, कितनी सारी moms का debut हुआ है, कितने सारे dads का debut हुआ है, कितने brothers and sisters have come on board. It's a very nice positive show overall. It's you will not find anything like a typical reality show drama. You will not find all of that. It's amazing, it's fun. I'm really happy to see their family members participating, meeting us. So that's great. So Divya and Varun, what all did you guys learn about yourselves and about each other during this entire lockdown period? I think with me, I have learned that no matter what the situation is, if you keep yourself calm, if you keep your people around you calm, I think a lot can get better. Like काफी लोग lockdown में काफी लोगों का दिमाग ऊपर नीचे हुआ है, दिल ऊपर नीचे हुआ है, कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ देख के, कुछ ना कुछ पढ़ के. So I think the most important is to be set here. If you set here, then things will be easier in your life. And यही मैंने तो यही सीखा और काफी ज़्यादा interior designing सीखी है मैंने इस lockdown में. I think जो मैंने सीखा है वो Divya is right that before the lockdown मेरे तीन shows signed हुए थे and because lockdown बीच में आ गया तो फिर वो अटक गया so I was very paranoid about the fact कि ओ मेरा काम रह गया मेरा काम अटक गया oh my god but Divya said कि don't worry like things will happen right now the entire world is on a hold तो I think Divya से मैंने यही सीखा that just be patient about certain things and just think ki everything will be over at one point uske baad things will be normal so I learned to be patient and calm he is so calm right now I'm very calm like I was very hyper but about ki oh my god mera ye kaam baki reh gaya oh my god abhi shoot hona tha abhi nahi ho raha so Divya has just made me very calm and khud ke bare mein jo maine discover kiya is that I can probably play video games the entire day without eating without sleeping yeah. I can play video games that's something not really good var that's not ठीक है सबके अपने अपने पसंद होते हैं आई मीन सोशल मीडिया की बात करें तो यू गाइज ऑलवेज क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट लाइक फन कंटेंट कुछ ना कुछ आप लोग करते रहते हो सोशल मीडिया पे भी शेयर करते रहते हो लाइक व्हाट कीप्स यू ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी आई फील आई एम अ गाय हु इज मोर कंटेंट ड्रिवन मुझे पसंद है कि मैं नए वीडियोस बनाऊं रोज मैं फोटोज के साथ एक्सपेरिमेंट करूं बिकॉज़ I was so used to shooting the last year, 2019. मैंने I think 300 days shoot किए, approximately. तो I was so used to being around the camera. I was so happy being around people and shooting every single day. कि मैं उस life से बाहर नहीं निकलना चाहता था. So I decided कि lockdown में भी I'll be shooting my own content. I'll be doing my own thing. ताकि I just be around the environment and be happy. So I was just doing all of this to make myself happy and to keep myself sane. Varun से मैंने यही सीखा है कि you should really maintain your profile when it comes to social media because I am not a social media loving person. Honestly, मैं अगर social media पे हूँ तो सिर्फ अपने लोगों के साथ connected रहने के लिए और जो चल रहा है उन सब में मतलब it's not about for me it's not about you know I would offer this content I would offer that content to people I'm not that kind of person and ye lockdown mein especially I thought that this time I'll give all my time to my family maybe I like even though I can't meet them but I'll be on the calls so I've been only talking to my family his family everybody so this has been a happy lockdown for me honestly Divya you are quite vocal on social media like you voice your opinion and aisa hota hai that often it is susceptible to online trolling and also hua bhi hai aapke aapke sath how do you deal with online trolling and how does Varun support you as a partner Varun is very supportive honestly kabhi kabhi बात उतनी होती है और वरुण मुझसे ज्यादा हाइपर हो जाता है कि ओ माय गॉड हाउ डेयर ही हाउ डेयर शी दिस इज नॉट राइट लेट मी टॉक टू हिम एंड ही गेट्स मोर कंसर्न अबाउट थिंग्स बट
मेरा ऐसा मानना है कि एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट एंड एवरी ह्यूमन रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे एंड इफ आई एम ऑल्सो बींग वोकल अबाउट थिंग्स तो मेरा भी इट्स नॉट ऑलवेज दैट पीपल अग्री विद माई स्टेटमेंट्स सो आई एम ऑल्सो वेरी कूल अबाउट इट द ओनली थिंग विच आई एम नॉट कूल अबाउट इट इज पीपल शेयरिंग देयर ओपिनियन इन अ वेरी वेरी बैड मैनर लाइक उन लोगों की लैंग्वेज द वे दे टॉक द वे दे टॉन्ट एंड सच नेम्स दे गिव टू पीपल जिनको शायद वो मिले भी नहीं मुझे सिर्फ उस चीज से प्रॉब्लम है अगर आप मुझे कहेंगे हाँ दिव्या ने यहाँ अच्छा काम नहीं किया ठीक है एक्सेप्टेड आई कैन नॉट बी द बेस्ट वन ऑलवेज दिव्या ने ये नहीं किया ठीक है कोई बात नहीं बट इफ यू अब्यूज एंड इफ यू ट्राई टू पुल मी डाउन इन्वॉल्व माई फैमिली विद एवरीबडी प्रॉब्लम ये होती है इंडियन ऑडियंस की कि अगर सपोज अगर मेरे और वरुण के बीच में झगड़ा होता है तो इफ वरुण इज राइट एंड आई एम रॉन्ग तो पीपल विल पाउंस एट मी सो मच दैट आई माइट आई एम रॉन्ग आई नो बट आई नीड दैट टाइम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट व्हाट आई हैव डन तब तक इतनी गालियां पड़ चुकी होती है इतना कुछ हो चुका होता है दैट यू फील लाइक ओ माई गॉड आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर सो ये चीज होती है लोगों के साथ विच आई वॉन्ट टू यू नो शेयर लिटरली विद पीपल माई एंटायर थिंग इज दैट आई फील क्रिटिसिज्म एक चीज होती है और ट्रोलिंग एक चीज होती है जब अगर मुझे कोई बोल रहा है कि तू ऐसा क्यों है तू मर क्यों नहीं चाहता लाइक मुझे ऐसे मैसेज आते हैं विशिंग डेथ अपॉन समबडी इज समथिंग दैट इज अनएक्सेप्टेबल मेरे अकॉर्डिंग एंड ऑफिस सबके अकॉर्डिंग एंड उनको अगर आप वापस रिटेलिएट करोगे तो फिर वो बोलते हैं अरे आप हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तो माय एंटायर थिंग इज कि यू आर विशिंग डेथ अपॉन समबडी एंड देन यू आर वेरी ओके अबाउट इट यू आर वेरी लाइक काम अबाउट इट तो मेरे जहन में ये बात बैठती नहीं है कि हाउ कैन यू बी सो hateful towards somebody जिससे आप मिले भी नहीं हो जिसको आप बस जानते हो कि हाँ ये एक इंडस्ट्री में काम करता है सो आई जस्ट फील दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ एक्चुअली ट्रोलिंग somebody कि वो किस पे क्या इफेक्ट करता है एंड अलग अलग लोग पे ऑब्वियसली अलग अलग इफेक्ट करता है बट सम पीपल कैन एक्चुअली टेक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे सो आई फील ट्रोलिंग शुड स्टॉप एंड हेल्दी क्रिटिसिज्म इज समथिंग दैट आई सपोर्ट इट्स ओके एंड वी सपोर्ट एंड वी आर वेरी वोकल जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि तू तो बोल देती है जो तुझे लगता है तो हम भी बोलेंगे जो हमें लगता है पर मैं वो बोलती हूँ जो सामने वाले को भी बुरा ना लगे और ये भी मैंने सीखा है इट्स नॉट लाइक समथिंग आई नो सिंसियर आई हैव ऑल्सो स्टडीड सोशल मीडिया बिहेवियर पीपल रिस्पेक्ट ये वो सब मैंने सीखा है अलॉन्ग विद द ऑडियंस विच आई हैव विच दे फॉलो फेथफुली दे फॉलो मी So I thought that we have certain responsibility towards our audiences कि अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं तो हमारी जितनी भी audience हमारे पास है India की at least अगर वो सुधर जाए तो आगे things will be better. Divya and Varun, I would like to ask like you guys had known each other and then fell in love on reality show. We all saw that and then you guys decided to move in together. What made you decide take that decision and what were your parents' reaction? So my mom was damn chill. My mom and dad were damn chill. They were like, "Haan, like obviously I was staying in Delhi before this, and they were like, 'Acha, tu Mumbai ja raha hai, sambhal le apne aap ko. Acha, nahi Divya reh rahi ho, toh haan, fir sab theek hai." So my mom and dad were very chill about it. And the reason I decided to move in with Divya was because I felt we need to spend more time with each other to get comfortable with each other. Because reality show ka ek scenario different hota hai. और रियल वर्ल्ड का डिफरेंट होता है अगर हमने यहाँ सर्वाइव कर लिया रियल वर्ल्ड में देन आगे भी हम सर्वाइव करते रहेंगे सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू मूव इन टुगेदर सो वी कुड नो ईच अदर बेटर एंड वी कुड स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर फॉर मी ब्रेकिंग दिस टू माय पेरेंट्स वाज रियली डिफिकल्ट बिकॉज़ आई स्टे इन बॉम्बे लाइक माय पेरेंट्स दे ऑल स्टे इन बॉम्बे एंड न्यू बॉम्बे फाइन बट 12 साल Say I've been traveling from New Bombay to Bombay for work, for any small thing, trial shoot, ये वो सब. But Varun was coming to Bombay and I couldn't just leave him alone in a house where you know I'll just come and just meet him and go and I didn't want that. तो मैं धीरे-धीरे अपना सामान लेकर आके यहाँ पे रख रही थी and then one fine day within a week I told mom के mom it's better if I stay here only because बहुत ज़्यादा up down होता है. तो मॉम कहती है 12 साल से तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कहा नहीं 12 साल बहुत कर लिया अब नहीं करना चाहती एंड थैंकफुली वरुण का नंबर वन फैन इज माय डैड लव्स हिम मोर देन एनीबडी इन माय फैमिली ओ माय गॉड माय डैड इज सच अ बिग फैन ऑफ वरुण तो अगर वरुण जैसा लड़का है दिव्या के साथ तो पापा इज मोर देन हैप्पी एंड मोर देन खुश के हाँ शी इज इन सेफ हैंड्स
हु इज मोर फेवरेट, मतलब वरुण आपके पेरेंट्स के लिए एंड दिव्या आपके पेरेंट्स के लिए, लाइक कौन ज्यादा किसके लिए? मेरे पेरेंट्स के लिए आई थिंक दिव्या इज मोर फेवरेट, एंड दिव्या के डैड के लिए आई थिंक आई हां मेरे पापा के लिए, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा भी बोलूं ना कि वरुण गेम क्यों खेल रहा है, पापा मुझे बोलते तो क्या हो गया, खेलने देना, तुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, लेट हिम डू थिंग्स ना, व्हाई यू इंटरफेयरिंग. He is the one to tell me things. हम लोग एक वेडिंग में गए थे and then Varun just suddenly decided to appear in an event which was like 300 kilometers away. And I was annoyed कि हम ये वेडिंग में हैं, हमें यहाँ रहना है. We promised them, but he's like, I want to go for that event. It's very important. Everybody is coming. So I was very angry and my dad literally screamed at me. He's like, you can't do that to him. If he wants to go, we go together. हम सब आ गए. मेरी पूरी फैमिली इसके वजह से हम सब आ गए. I am surprised. How dad? And the best thing is that best नहीं बोलूँगा, मेरे लिए best नहीं है, दिव्या के लिए best है. That if Divya's called my mom saying, mom, I'm very stressed today. I'm not happy. I'm not in a good mood. My mom will be like, क्या क्या वारुण? क्या क्या वारुण? I am genuinely saying Akshita and Mama, both of them. And I'm like, अरे कुछ भी नहीं किया मैंने. तो it's very like hard to convince my mom that I haven't done anything wrong in my life to trouble them. I hope you guys had fun as much as I had. Yes. Talking to yes. you. Too. all the best for your new show. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Thank you. Bye.